नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रियाद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन जानकारी न्यूज। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने जीत की तीसरी यानी कि बार पारी शुरू कर दी है और हैट्रिक लगा दी है। लेकिन जिस बीजेपी ने ममता बनर्जी को इस बार विधानसभा चुनाव हराने की कोशिश की थी, उस बीजेपी के अंदर ही अब भगदड़ मच गई है। वैसे विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इस बार टीएमसी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब वही परिस्थिति सेम बीजेपी के सामने आ रही है। बीजेपी के लगभग 8 से ज्यादा जो मौजूदा एमएलए हैं वो टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। इसको लेकर के टीएमसी की तरफ से बड़ा बयान आया है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ यहां पर दूसरी एक और बड़ी खबर आई है दोस्तों, ममता बनर्जी के पूर्व चीफ सेक्रेटरी को लेकर के अब जो है ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है। केंद्र की मोदी सरकार को यहां पर बड़ा झटका लगा है, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, लक्षद्वीप में जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल जी लगातार अपने कानून लागू कर रहे थे, उस मामले पर भी अब देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो सभी के सभी बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, इस खबर को जरा आप गौर से देखिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के समय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की होड़ मच गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हैट्रिक जीत के बाद इनमें से कई अब घर वापसी करने के लिए बेकरार हो गए हैं। इनमें कईयों ने खुला पत्र लिखकर के ममता बनर्जी से घर वापसी की फरियाद की है और यह कहा है कि दीदी अगर चाहे तो हमें वापस ले लें, हम दीदी के बिना जी नहीं सकते। लगभग 3 नेताओं ने पत्र लिखा। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर के, वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला। अभी तक तो टीएमसी के ही नेता पत्र लिख रहे थे बीजेपी में, बीजेपी को छोड़कर के टीएमसी में आने के लिए, लेकिन अब बीजेपी के मौजूदा लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विधायक भी टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के, इसी को लेकर के बीजेपी के सीनियर नेता और मेघालय त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मेरी आशंका सही साबित हुई है, मुझे लगता है कि टीएमसी से आए अधिकांश लोग वापस चले जाएंगे। जल्द ही दिल्ली जाकर के सीनियर लीडरशिप को इसके बारे में रिपोर्ट सौंपूंगा, वो ये बात कह रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सोनाली गुहा फुटबॉलर से पॉलिटिशियन बने दीपेंद्र विश्वास, सरला मुर्मू सहित कई नेताओं ने खुला पत्र लिख करके ममता बनर्जी से वापसी की फरियाद लगाई है। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लगभग 8 से ज्यादा विधायक जो कि इस बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, वो बहुत जल्द टीएमसी में शामिल होंगे और इसमें कुछ सांसद भी शामिल हैं, कुछ सांसद भी ऐसे हैं जो टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। हाल ही में मुकुल रॉय के पुत्र सुभ्रांशु रॉय ने भी इसी को लेकर के अपने डीपी पर एक स्टेटस लगाया था, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। तो इस तरह की चीजें और इस तरह की आशंकाएं लगातार ये दिखा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कितना कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। जो बीजेपी ये दावा कर रही थी कि फ्रंट फुट पर आकर के हम टीएमसी को मात देंगे और 200 प्लस सीटें जीतेंगे, उस बीजेपी की हवा निकल जा रही है टीएमसी के सामने और ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को टारगेट कर रही है और बीजेपी को पीछे ढकेलने में भी ममता बनर्जी लगभग
कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, ये भी जो है पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई है। आप इस खबर को भी जरा गौर से देखिए। दरअसल कुछ दिनों से आप सभी जानते होंगे एक नया विवाद चल रहा है केंद्र सरकार और टीएमसी सरकार के बीच। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में उपस्थिति नहीं रहने के कारण पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्लापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार द्वारा नोटिस जारी किए जाने और दिल्ली तलब किए जाने के फैसले को पूर्व कैबिनेट सचिव और पूर्व सचिव समेत कई बड़े नौकरशाहों ने गलत ठहरा दिया है। पूर्व आईएएस अधिकारियों ने मोदी सरकार के फैसले का को अभूतपूर्व परेशान करने वाला और नियमों की अवहेलना करने वाला बता दिया है। दरअसल जो एक तरह से अल्लापन बंदोपाध्याय, आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं और इनका जिस तरह से सचिव बनाया गया पश्चिम बंगाल के, उस पर शायद ये फैसला मोदी सरकार को रास नहीं आया और लगातार टकराव जारी था। केंद्र की मोदी सरकार ने रिपोर्ट मांगी और उनको वापस बुलाने तक की बात कह दी पश्चिम बंगाल से। लेकिन अब जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं और कई नौकरशाहों ने ये खुला बयान और खुले तौर पर लेटर लेकर के कहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ये सारे फैसले ले रही है, ये गलत है, ये परेशान करने वाले हैं, अभूतपूर्व हैं, तो एक बार फिर से ममता बनर्जी की इस मामले पर भी बड़ी जीत हुई है। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। लक्षद्वीप में आप सभी को पता होगा मोदी सरकार के द्वारा, या हम ये कहें मोदी सरकार के द्वारा एक तरह से शासक बनाकर के भेजे गए कुल पटेल जिस तरह से अपने कानून लागू कर रहे थे, इस मामले पर अब जो है एक नया मामला सामने आया है। दरअसल लक्षद्वीप में मीट के ऊपर बैन कर दिया गया, जबकि 90% आबादी मुस्लिम की है वहां पे। साथ ही साथ गुंडा एक्ट लागू किया गया, उसके बाद चुनाव में भी वोट करने ना करने को लेकर के नए कानून लागू किए गए बिना जनता की राय से। कुछ इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों से कानून बनाए जा रहे हैं, जैसे कि कृषि कानून, आप देख लीजिए किस तरह से किसान सड़कों पर है। लेकिन लक्षद्वीप के मामले पर अब एक नई जानकारी मिल रही है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अमित शाह ने स्थानीय लोगों से सलाह के बिना कोई कानून बनाने का आश्वासन दिया है। यानी कि अब लक्षद्वीप में जो कानून लागू किए गए थे या लागू करने की बात कही जा रही थी, वो सारे कानूनों पर पहले जनता से मशवरा किया जाएगा, उसके बाद ही इसको आगे लागू करने पर विचार किया जाएगा। तो ये सीधे तौर पर उस विरोध का नतीजा है जो लगातार लक्षद्वीप की जनता कर रही थी। लगातार वहां के खुद बीजेपी के नेता ही अपनी सरकार और अपने प्रशासक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़कों पर आ गए थे। और अब बताया जा रहा है कि एक सांसद जो कि लक्षद्वीप के हैं, मोहम्मद फैजल ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद उनको आश्वासन दिया गया गृहमंत्री की तरफ से कि कोई भी कानून बिना जनता की परमिशन और उनकी बिना राज मशवरा के नहीं लागू किया जाएगा। अब देखना यह है कि आगे इस पर क्या होता है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर।